नमस्कार दोस्तों, इन्फो शिक्षा चैनल के सांख्यिकी लेक्चर में एक बार दोबारा हम उपस्थित हुए हैं। आज के लेक्चर में हम डायग्राम, जिसको आरेख कहते हैं, उस पर डिस्कशन करेंगे। चूंकि हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया है कि पांच तरीके के डायग्राम को पढ़ना है, जिसमें से क्वेश्चन बनते हैं और जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है पाई डायग्राम। बाकी और डायग्राम पे हम कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ कैसे जो है डायग्राम खींचा जाएगा, इस पे भी चर्चा करेंगे। दोस्तों, आप हमारे चैनल को देख रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं और सब्सक्राइब कर रहे हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए हम बात करते हैं सिंपल बार डायग्राम के बारे में, कि सिंपल बार डायग्राम के लिए क्या क्या चीजें आवश्यक हैं कि जिससे हम इस डायग्राम को खींच पाए। तो सिंपल कोई भी डायग्राम जो भी बनाया जाता है, उसके लिए कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं या मुख्य बातें हैं। पहला पॉइंट क्या होना चाहिए, जब भी आप डायग्राम बनाना हो तो यहां पे सबसे पहले ऊपर शीर्षक लिखा जाता है, टाइटल। सेकंड क्या होता है, स्केल का हम चुनाव करते हैं। जैसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ये दिया गया है, तो एक्स एक्सिस के लिए स्केल और वाई एक्सिस के लिए स्केल का चुनाव किया जाता है, जिसके द्वारा हम ग्राफ खींचेंगे। और क्या होगा, जो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है, इसको जो है आपको प्रॉपर वे में रखना है। और एक आता है कई डायग्राम में पाद टिप्पणी, फुट नोट दिया जाता है। ये मुख्य बातें हैं जिसको किसी भी डायग्राम को बनाने में आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं सिंपल बार डायग्राम, यह एक चर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण डायग्राम है, वन वेरिएबल के लिए। जैसे एक क्वेश्चन यहां हम दे रहे हैं, भारत की जनसंख्या करोड़ों में दी गई है, विभिन्न वर्षों में सेंसस का आंकड़ा आपको दिया गया है। इसके लिए आपको एक उचित डायग्राम बनाना है। डायग्राम, सिंपल बार डायग्राम के लिए क्या होना चाहिए, एक यहां आप देख लीजिए कि हमने सिंपल बार डायग्राम का एक चित्र दिया है। पहली बात क्या होनी चाहिए कि हर एक डायग्राम की जो चौड़ाई है वो क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक डायग्राम एक सेमी का खींच दिया गया, दूसरा 1.5 सेमी का खींच दिया, ऐसा नहीं। अगर एक सेमी चौड़ाई का एक डायग्राम खींचा गया, दूसरा भी एक सेमी, तीसरा भी एक सेमी। और क्या होना चाहिए, जो डायग्राम के बीच के बीच का स्पेस है, दो डायग्राम के उनके बीच की डिस्टेंस भी हमेशा इक्वल होनी चाहिए। ये नहीं कि कुछ यहां हमने दूरी ज्यादा कर दिया, यहां कम कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। सब में डिस्टेंस समान होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट ये है कि जो उसका परिमाण होता है, चूंकि डायग्राम की जो लंबाई होती है वह परिमाण को जो है शो करती है, तो वैल्यू को, परिमाण को या तो ऊपर लिखिए या तो जो है डायग्राम के अंदर लिखा जाता है। और यदि आंकड़े आपके समय पर आधारित नहीं होते हैं तो या तो उनको जो है छोटे से बड़े डायग्राम बनाते हैं या बड़े से छोटा बनाते हैं, नहीं तो आप वैसे भी बना सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण जो है पॉइंट है। और एक बात है कि डायग्राम आपका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों होता है, इस तरीके से भी आपका डायग्राम बनता है, इस तरीके से। और एक जो है इस तरीके से होता है कि डायग्राम यहां ऐसे, ये आपका वर्टिकल है और ये हॉरिजॉन्टल है।
तो हमेशा ज्यादा सही इमेज दिमाग में कौन बनाता है, वो जो है वर्टिकल डायग्राम बनाता है। इसलिए कोशिश हमेशा ये करनी चाहिए कि डायग्राम हमेशा वर्टिकल जो है बनाना चाहिए। अब बात हम कर लेते हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, दो तरीके से आप बना सकते हैं, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन को हम देख लेते हैं कि भारत की जनसंख्या जो है करोड़ों में दी गई है विभिन्न वर्षों में, इसके लिए हमको एक उचित डायग्राम बनाना है। आप क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हमने यहां पे खींचा हुआ है, तो यहां पे एक्स एक्सिस पे हम वर्ष को ले ले रहे हैं और वाई एक्सिस पे जनसंख्या को लिख दे रहे हैं। और जनसंख्या किसमें? करोड़ों में। जनसंख्या किसमें? करोड़ों में। तो यहां पे अब इसमें चूंकि ग्राफ पेपर पे आप देखेंगे तो एक एक सेमी का जो है निशान बना होता है और उसमें 10 जो है छोटे छोटे खाने बने होते हैं, तो हर एक खाना 1 mm का होता है और जो बड़ा खाना होता है, बड़े चिन्ह लगे होते हैं, वो 1 सेमी पे लगे होते हैं। तो इसका मतलब यहां पे हमारे पास ग्राफ नहीं है, लेकिन आप ग्राफ पेपर को देख लीजिए। तो ये यहां पे हम स्केल का जो है चुनाव कर देते हैं, स्केल जो है आपका क्या हो जाएगा, वाई अक्ष पर जनसंख्या लिया जा रहा है कितना, 1 सेमी बराबर 10 करोड़, और एक्स अक्ष पर वर्ष। इस तरीके से हमने स्केल का चुनाव कर लिया। अब यहां पे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120, 130 इस तरीके से हमने खींच लिया। अब क्या करना है कि जो आंकड़ा आपको दिया गया है 1951 में कितना जो है जनसंख्या है, 35.7, तो 35 कहां आएगा ग्राफ पेपर पे, एग्जैक्ट आ जाएगा 35.7। और यहां से या तो 1 सेमी का स्पेस छोड़ दीजिए या आधे सेमी का स्पेस छोड़ के आप एक डायग्राम यहां पे बना दीजिए इस तरीके से। ये आपका एक डायग्राम बन गया। फिर जितना स्पेस आपने छोड़ दिया उतना स्पेस पुनः छोड़िए। अब कितना जो है करना है, 1961 में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 43.8 है, तो यहां पे 43 यहां पे आ जाएगा। आप ग्राफ पेपर पे जब बनाएंगे कि इस तरीके से आपका डायग्राम बनता जाएगा। यहां आप ईयर 1951, 1961, ऐसे ही 1971 में कितना है, 54.6 है, लगभग कितना आ जाएगा, 3rd डायग्राम बन गया। 4th डायग्राम 68. लगभग 70 के करीब आ जाएगा। ये ग्राफ पेपर पे एग्जैक्ट पॉइंट मिल जाएंगे, ना मिले तो जो है ग्राफ की कमियों में आ जाएगा। इस तरीके से जितना स्पेस आप यहां लीजिएगा उतना ही हर एक डायग्राम के बीच में स्पेस होना चाहिए। क्योंकि हम वैसे बना रहे हैं तो हो सकता है कि आपको देखने में ये स्पेस क्या हो जाए, किसी में कम या ज्यादा हो सकता है। इसी तरीके से 81.8 है, तो यहां पे लगभग 102, यहां पे
लास्ट में 121 यहां पे ये हो जाएगा। हर एक डायग्राम की चौड़ाई इक्वल और बीच में स्पेस भी इक्वल होना चाहिए। और ये 1971, 1981, 1991 और ये आपका 2001, 2011 और ऊपर जो है ऊपर या अंदर वैल्यू को लिख दीजिए 35.7, 43.8, ऐसे ही 54.6, 68.4, नेक्स्ट 81.8, फिर 102.8, 121। ये आपका सिंपल बार डायग्राम कंप्लीट हो गया। यहां पे ऊपर इसका टाइटल आप पहले ही लिख दीजिए कि भारत की जनसंख्या के लिए सरल दंड आरेख, विभिन्न वर्षों में भारत की जनसंख्या के लिए सरल दंड आरेख। तो इस तरीके से अगर कहीं क्वेश्चन आ जाए बनाने के लिए तो ये तरीका है, और नहीं तो कॉन्सेप्चुअल में जो चीजें हमने डिस्कस किया है वो पॉइंट आप नोट कर लीजिए एक एक करके। आइए अब हम बात करते हैं किस पे, एक क्वेश्चन जो यूपीपीसीएस 2004 मेंस में पूछा गया है उस क्वेश्चन को देखते हैं और उसका सलूशन देखते हैं कि क्या इसका सलूशन आएगा। प्रश्न है, ग्राफ पर विचार कीजिए। ग्राफ आपको दिया गया है सिंपल बार डायग्राम और उसके उसकी सहायता से पहले ग्राफ आप देख लीजिए जो डायग्राम आपको दिया गया है कि ग्राफ पर विचार कीजिए। एक तरफ जो है समय दे दिया गया है वर्ष और दूसरी तरफ दे दिया गया है उत्पादन, और पूछ रहा है कि पूर्व वर्ष के सापेक्ष कौन से वर्ष में उत्पादन वृद्धि अधिकतम है। इसके बाद चार ऑप्शन बना दिया है, पूछ लिया गया है 2002, 2003, 2004, इनमें से कोई नहीं। तो आइए देखते हैं कि पूछा है उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि। तो ग्राफ के अकॉर्डिंग अगर हम देख के चले तो 2001 में 2001 में कितना उत्पादन है, 20 है। 2002 में कितना दिया गया है ग्राफ के अकॉर्डिंग उत्पादन, ये 50 दिया गया है। 2003 में इसका उत्पादन 60 और 2004 में प्रोडक्शन कितना हो गया हो रहा है 80। अब परसेंटेज वृद्धि आपको निकालना है ग्रोथ, तो यहां पे वृद्धि कितना हुई है, यहां पे हुई है 30, 50 माइनस 20। यहां कितना हुआ है इनके बीच में, ये 10 है, यहां कितना 20 है। अब आपको परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज किस पे आप निकालते हैं, इनिशियल पे निकालते हैं। जैसे ये 2001 में 20 है, 2002 में 50 हो गया, इसका मतलब कितना जो है 2001 के कंपेयर में वृद्धि हुई है। तो हम क्या करेंगे, वृद्धि है 30 इंटू 100 कर देंगे परसेंटेज के लिए, अपान इनिशियल वैल्यू कितना है 20 है, ये आपका आ गया कितना 150%। ऐसे इसमें देखिए ये कितना परसेंटेज वृद्धि की क्या हो जाएगा, 10 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 50, क्योंकि ये बेस अब 2003 में देखने के लिए 2002 के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा, तो बेस इसका ये हो जाएगा 50, तो ये कितना आ जाएगा 20%। ऐसे अब देखना है 2004 में 3 के कंपेयर में कितना जो है परसेंटेज ग्रोथ हुआ है, यहां कितना आया है 20, तो 20 इंटू 100 परसेंटेज के लिए अपान क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 60। अब ये इससे कैंसिल, 200 अपान 6
ये आ जाएगा 100/3 और ये बन जाएगा 33.33%। तो इसका मतलब हमने सब में यहां से 2002 का परसेंटेज ग्रोथ 150%, 2002 का है ये, 2003 का ये, 2004 का, तो सब में आप देख रहे हैं। तो ऑप्शन जो है कौन सा बनेगा, ए ऑप्शन जो है आपका आंसर, जो क्वेश्चन दिया गया है इसका आंसर क्या बन जाएगा, ए पहला ऑप्शन। तो इस तरीके से हमने देख लिया कि आज के लेक्चर में सिंपल बार डायग्राम, सरल दंड आरेख के बारे में। तो आशा करते हैं कि आप सरल दंड आरेख के बारे में बेहतर तरीके से सीख गए हैं। बाकी जो क्वेश्चन जहां जहां बना हुआ है आप उन क्वेश्चन को देखिए और ड्रा भी कर लीजिए, जहां मेंस के लिए ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जहां कॉन्सेप्चुअल है, इस तरीके से क्वेश्चन को हल कर लीजिए। दोस्तों हम एक बात यहां और भी आपको बताना चाहेंगे कि यूपीएससी का जो सीसेट का पेपर होता है, सीसेट के पेपर में ये जो डायग्राम और ग्राफ जो है चलेगा आप चैप्टर, उनके लिए ये डीआई का काम करेगा। जैसे ये क्वेश्चन जो है सीधे का सीधा जो है डीआई का जो है क्वेश्चन बन जाता है, यहां स्टैटिस्टिक्स का है और वहां जो है डाटा इंटरप्रिटेशन का जो है बन जाएगा। तो डाटा इंटरप्रिटेशन कुछ नहीं है बल्कि स्टैटिस्टिक्स प्लस मैथ के परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, इनको जब मिला दिया जाता है डायग्राम, टेबुलेशन और ग्राफ के साथ, तो यही हमारा क्या बन जाता है, डीआई का जो है पार्ट बन जाता है। और अभी भी यूपीएससी का जैसा सीसेट का पेपर बन रहा है उसमें 27 क्वेश्चन क्वालिफाई करना लोगों के लिए मुश्किल हो रहा है। इसलिए आप यदि यूपीएससी भी दे रहे हैं तो सीसेट के पेपर को हल्के में ना लेके चलें। जो भी सिलेबस उसका दिया गया है उसपे कंटिन्यू वर्क उतना ही जरूरी है जितना फर्स्ट पेपर के लिए आप ध्यान देते हैं। तो दोस्तों आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मल्टीपल बार डायग्राम और सब डिवाइडेड पे। तो धीरे धीरे करके हम अपने लेक्चर्स को आगे बढ़ाते रहेंगे। सिर्फ आप पेशेंस बनाए रखिए। मैं दावा करता हूं कि आप अगर मेरा लेक्चर पूरा का पूरा देख के जाएंगे तो यूपी पीसीएस में जो भी 25, 22, 23 जो भी क्वेश्चन पूछे जाए उसमें 2-3 क्वेश्चन छोड़ करके आप पूरा का पूरा क्वेश्चन करके आएंगे। धन्यवाद।